पूरी दुनिया भी एक हो जाएगी ना, ये कभी नहीं हो सकता। उन्हें ये डर रहा है कि एक दिन इस मुल्क ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। मस्त जोक मारा है। इंशाल्लाह हम बने कलमे के नाम पर, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर, जिसके नाम पर पूरी दुनिया बनी है, मुल्क पर हुकूमत करने की क्या वजह नहीं है? अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुरके में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? मुसलमान जो लोग है ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने, औरतों ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हुए हैं, ये आपके जितने में आप खुद ही दहशत करते हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे। मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुरखा भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आजाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। देखें, ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें, इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। तो है, हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक टॉपिक लेके। सो गाइस, आज का टॉपिक है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। अच्छा, तो भाई लोग, आपको तो पता होगा कि भाई पाकिस्तान कितना ही ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी है, जिस देश में भी जाते हैं उस देश का जीना हराम कर देते हैं। बात तो सही है। तो भाई इसी हवाल से ये खबर आ रही है कि भाई फ्रांस ने जो है वो हिजाब बैन कर दिया है। मतलब जो स्कूल लेवल पर लड़कियों को मना किया है कि भाई आप हिजाब पहन के स्कूल में नहीं आ सकते हैं। अगर भाई फ्रांस ने निर्णय लिया है तो भाई इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा ही ना। सही बात है। तो भाई चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो इस पर क्या रिएक्शन देती है, और भाई उसके बाद हम अपना रिव्यू देंगे और भाई इनकी जाहिलियत का अच्छे समाधान भी करेंगे। तो भाई चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई उससे पहले, अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई एक कमेंट कर दीजिए, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए ऐसे न्यू वीडियो लाने के लिए और भाई लोग आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ अगर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। लेकिन जो मुसलमान लड़कियां स्कूल जो है बुरखा पहन के जाती थी, अबाया पहन के जाती थी, फ्रांस ने उनको बैन कर दिया। बैन कर दिया ना, तो ये हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि उनके साथ बात करें, ठीक है ना? तो ये तो अपने मुल्क में नहीं कर रहे, तो उधर क्या करेंगे? अच्छा, दुनिया में जितनी भी दहशत गर्दियाँ होती हैं उसमें मुसलमानों का नाम क्यों निकलता है? उसमें इसलिए निकलता है कि मुसलमान बहादुर है। अच्छा। हाँ जी, मुसलमान बहादुर है, और मुसलमान जहाँ भी जाएगा ना अल्लाह के हुक्म से, उसका जो अल्लाह को मानने वाला, दीन को मानने वाला है, अल्लाह और उसके नबी को मानने वाला है, वो हक की राह पे चल के शहीद हो जाएगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानेगा। अच्छा, बॉम ब्लास्ट करना क्या बहादुरी है? नहीं नहीं, ये बहादुरी नहीं है। तो वो जब भी तालिबान का काम है ना। अच्छा। हम कोई तालिबान थोड़ी, हम तो पाकिस्तानी है। अच्छा अच्छा, तुम्हें पता है पाकिस्तान में कितने टेररिस्ट ग्रुप है? 100 से भी ऊपर। जिन्हें कुछ पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी फंड करती है, लश्करे तोयबा, जैश मोहम्मद, जमात इस्लाम और भी भाई बहुत सारे। उसामा बिन लादेन 9/11 करके कहां पर छुपा हुआ था? पाकिस्तान में। सही बात है। अजमल कसाब ताज होटल पर अटैक करने वाला कौन था? पाकिस्तानी। तो भाई आप ये मत बोलिए कि भाई टेररिज्म सिर्फ तालिबान का ही काम है, आप उसके भी बाप हैं। शाबाश बेटा। जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज मुसलमानों से डरती हैं, उनको क्या पैगाम दो? उस हर कंट्री पाकिस्तानियों को, मुसलमानों को कह रही है कि ये जो है दहशत गर्दी करवा रहे। स्पेशली पाकिस्तानियों का नाम बहुत ज्यादा आता है कि पाकिस्तानी जो है दहशत गर्दी करने में नंबर वन पे है, दूसरे मजाहिबों को नुकसान पहुंचाने में नंबर वन पे है। क्या पैगाम दोगे उनको? यही पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी को मौका दें, कोई भी पाकिस्तानी ऐसा है जिसको जमाना चाहते हैं वो जमाए, अगर है कोई ऐसा, लेकिन वो हमारे मुल्क में कोई दहशत गर्द नहीं है। अच्छा, अगर है तो वो बाहर से आता है, उधर से ही आता है, इंडिया से आता है। इंडिया से कैसे आता है? इंडिया से कैसे आता है? हाँ। इंडिया से जैसे हम उधर चले जाते हैं वैसे वो इधर आ जाते हैं। अब आए ना लाइन पे। हाँ भाई, फंस गए ना अपने ही बातों में कि भाई जैसे हम वहाँ पे चले जाते हैं तो भाई आप ये मानते हैं तो भाई आप इंडिया में टेररिज्म फैलाते हैं? सही पकड़े हैं। सिर्फ हवाबाजी करके बिना प्रूफ के
कुछ भी बोल देने से ना भाई घंटा कुछ नहीं होता, उल्टा खुद की ही इज्जत जाती है। इंडिया अगर पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाता है तो भाई प्रूफ दो, दो ना प्रूफ। लेकिन भाई हम तुम्हें ऐसी हजारों प्रूफ दे सकते हैं जिससे भाई ये साबित होता है भाई पाकिस्तान इंडिया में टेररिज्म फैलाता है। तुम दे सकते हो, दे सकते हो, तुम बताओ। जाहिल आवाम कैसे, ऐसी कौन सी हरकतें हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमसे परेशान है? जी मैं तो ये कहूँगा कि वो मुसलमान सच्चे नहीं हैं, वो बस नाम के मुसलमान हैं जो गलत काम करते हैं, जिसकी वजह से सही मुसलमान भी ना बदनाम होते हैं। सही कह रहे हो जी, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। जगह हर जगह होते हैं। लेकिन हमारी बुराइयां ही पूरी दुनिया को क्यों नजर आ रही है? हाँ बस पाकिस्तान को मेन बात है, वो पाकिस्तान को निस्तर नबूद करना चाहते हैं। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कभी निस्तर नबूद नहीं हो सकता, ये बना कलमे की बिना पर, ये कलमे की बिना पर बना है, ये कभी निस्तर नबूद नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भी एक हो जाएगी ना, ये कभी नहीं हो सकता। तो उन्हें ये डर रहा है कि एक दिन इस मुल्क ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। अच्छा, इंशाल्लाह पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में हुकूमत करनी है। साइड पे किस तरह हुकूमत करोगे, भीख मांगते मांगते? हाँ भाई, इंडिया में तो ऐसे बहुत से करोड़पति भिखारी है जो भाई भीख मांगते मांगते करोड़पति बन गए। लगता है भाई पाकिस्तान उन्हें देख के इंस्पायर हो गया है और भाई ये सोच रहा है कि भाई हम भी भीख मांगते मांगते ऐसे मालदार हो जाएंगे। मस्त प्लान है, एवरीथिंग कैन पॉसिबल। भाई तुम्हें ऐसी बेफालतू और भाई जाहिलियत बात करते टाइम ये थोड़ा सा भी सोच नहीं आया कि भाई मैं क्या बक रहा हूँ? नहीं महंगाई से लोग मर रहे हैं पाकिस्तान में और भाई आप ये कह रहे कि भाई पाकिस्तान एक दिन पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा? घंटा इस्लामिक कंट्रीज क्यों निकाल रही हैं हमें? वो तो मुसलमान के मान कमजोर है, वो मुसलमान नहीं है, नाम का मुसलमान हर कोई है। अच्छा। नाम का हर कोई है मुसलमान। मुसलमान वो है जिसने मुसल्ले पर अपनी जुबानी काटी है। अच्छा। वो मुसलमान नहीं है जो गलियों में फिर रहा हमारी तरह फिर रहा। हाँ। जिसने हलाल की खाई है ना वो मुसलमान है। तो दुनिया हमसे डर रही है इसलिए हमें बाहर निकाल रही है? वो इसलिए डर रहे हैं ना कि हम इतने से मुल्क को तबाह नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इधर बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े बुजुर्गों के दरबार हैं। आपको सही पता है कि ये मुल्क बना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से। तो फिर कुछ कर क्यों नहीं रहे? पूरी दुनिया से मांग तांग रहे हैं। हमारे बड़े लीडर बिके हुए हैं तो हम क्या करें? बड़े बड़े लीडरों ने कुछ नहीं किया, तुम हो ही होते कैटेगरी के। कैसे? अबे जब तुम खुद आवाम ही ऐसी जाहिल वाली बात करोगे कि भाई दुनिया तुम्हें मिटाना चाहता है, मतलब क्या सोच रहे? तेरी तेरी माँ का भरोसा? तो भाई पॉलिटिशियन तो तुम्हारे जियान मारेंगे ही ना, क्योंकि भाई उन्हें तो रहना है पावर में और भाई उन्हें पावर में रहने के लिए तुम जैसे जाहिलों की जरूरत है और भाई उन्हें मिल भी रहे हैं और क्या, खाओ पियो रो और जियान मराओ। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा लड़का, ये असली है ये लोडा। अच्छा, मुसलमानों से पूरी दुनिया क्यों डर रही है? वो कहते हैं ये दहशत गर्द है, इनको बाहर निकालो। उनका एक मिशन है मुसलमानों को बदनाम करना। अच्छा, क्यों? वो काफर है, कभी यहूदी मुसलमान का हो ही नहीं सकता। अच्छा। कहाँ पर लिखा है काफर मुसलमान का हो सकता है, आप बताएं? कहाँ पर लिखा है? आप सरकार ने पहले फरमाया यहूदी कभी मुसलमान का दोस्त हो ही नहीं सकता, ये मुसलमान को आपस में लड़ाएगा। हाँ भाई, तुम मत बनो किसी के दोस्त, इसी में ही सबकी भलाई है, क्योंकि भाई हम नहीं चाहते कि भाई पाकिस्तान से जाहिलियत वाली बीमारी पूरी दुनिया में फैले। बात तो सही है। जो हर दम बेफालतू बेवजह बेबुनियाद बातें करता है, लॉजिक एंड फैक्ट की माँ बहने करके रखा हुआ है, तो भाई मुसलमान ही बदनाम है बस। हाँ। बाकी सही है, मुसलमान बदनाम। खबर तो हमेशा मुसलमान की आती है। हाँ। यही बड़ा मुझे बड़ा अफसोस होता है, तो ये मुसलमान मुझे बड़ी तकलीफ होती है। ये हिम्मत हम करते नहीं, इस वजह से हम बदनाम है। हम हिम्मत करें, अब अगर आपको तकलीफ होती तो आप इस टाइम इस्लामी बुर्के में खड़ी होती, ना कि ये जो तमाशा लगा। लेकिन यहाँ पे बैन तो नहीं है ना? नहीं, बैन तो नहीं है ना। अगर मैं पहनती भी हूँ, मैं पहनती भी हूँ, लेकिन उन्होंने तो बैन कर दिया। ये किस तरह का मुसलमान है आप लोग? मुसलमान होना ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। मुसलमान जो मुल्क है वो पाकिस्तान है, और पाकिस्तान जो है मुसलमान जो लोग है ना, मुसलमान लोगों का काम है पर्दा पहने औरतों, ये बेहयाई ना फैलाएं। जिस तरह ये आपके सामने है, कितने लोग इकट्ठे हुए हैं,
ये आपके जितने में आप खुद ही दहशतगर्द हैं, बाकी लोग तो बोलेंगे, इस टाइम आप दहशतगर्द से कम नहीं नजर आ रहे। कैसे? देखें आप के सर पर ये पर्दा है, ये कौन कहता पर्दा? सलामी बुरका मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सिस्टर को है, बहुत सख्तियों से बहुत करा यहाँ पर। तो अगर सिस्टर या बेटी बाप के साथ बैठी होती है तो पता नहीं लगता ये आशिक है कि मशूक है। मैं पैंट शर्ट भी पहनती हूँ, मैं शलवार कमीज भी पहनती हूँ, मैं बुरखा भी पहनती हूँ, क्योंकि मैं आजाद हूँ। आपका कोई राइट नहीं है ना मुझे कहने का कि दुपट्टा लो, ये लो, वो लो, मेरी अपनी। लेकिन मेरे मुल्क में बैन नहीं है, मैं जब चाहूँ पहन सकती हूँ, लेकिन फ्रांस ने बैन कर दिया। आप टॉपिक को समझें, आप टॉपिक को समझें। बैन नहीं है ना, लेकिन हर कोई यहाँ पे बुरखा तो कोई चादर में आता है, कोई पैंट शर्ट में आता है, कोई शलवार कमीज में आता है, लेकिन हमारे मुल्क में बैन नहीं है, फ्रांस ने बैन कर दिया। अब वहाँ पे कोई लड़की बुरखा नहीं पहन सकती है। वो कर दिया अगर उन्होंने तो वो उनकी मर्जी है। हम मुसलमान बंदे हैं, हम कोशिश करेंगे कि इस्लाम के नाम पर मुसलमान हैं और इस्लाम को जिंदा करें कम जितना ज़्यादा हो सके। देखें ये अरशाद बारी ताला है कि औरत चलती फिरती जो है ना, ये शैतान का एक फंदा है। अच्छा, तो ये आप नजर। अच्छा भाई, ये सिखाता है तुम्हारा इस्लाम? इतनी इस्लामियत की ज्ञान फैलते हो, ये सी लफ्ज का यूज करना किसी लड़की के खिलाफ ये सिखाता है? धिक्कार है हम पर। आप तभी से उस रिपोर्टर को जो मतलब गंदी गंदी बातें करके बेहया, गद्दार, ऐसी जो लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, अगर भाई यूट्यूब का एल्गोरिथम नहीं होता ना तो भाई मैं तुम्हें ऐसी ऐसी गालियां देता कि आपके कानों से खून निकल आता। अरे बाबा, लड़कियों की इज्जत करना सीखो, लड़कियों से ऐसी बदतमीजी से बातें नहीं की जाती। सही बात है। क्या हम फील्ड में काम नहीं कर सकते? हम पाकिस्तानी नहीं है, हमें राइट्स नहीं है, हम इतना पढ़े लिखे हैं, लाखों की डिग्रियां ली हैं, हम काम ना करें, इनकी वजह से हम घरों में बैठ जाएं। आपको नमाज आती है? मुझे आती है, पढ़ती भी। आप पूरी नमाज? आप छठा कलमा सुना दे मुझे। मैं सुना देता हूँ। आप सुना दे। मैं आपको क्यों नमाज सुनाऊं? आप मुझे छठा कलमा सुना। मैं सुनाता हूँ पहले। आप छठा कलमा सुना दे, मैं सबके सामने छठा कलमा सुनाऊं। पहले आप पूरी नमाज सुना है ना भाई? मैं पूरी दुनिया में सुना दूंगी, ये बताओ छठा कलमा सुनाओ। छठा कलमा मुझे आता है भाई। तुझे आता ही? मुझे चैलेंज करती हूँ। क्यों चैलेंज करती हूँ? मुझे आते हैं ईमान के सिफते सुनाओ। चलो, इतने इस्लामी बनते, इस्लाम के कितनी सिफते हैं? देखें, सीखने में इंसान को वक्त लगता है। कितनी सिफते हैं इस्लाम? इंसान सीखेगा, जितना इंसान सीखेगा उतना ईमान के सिफते कितनी बढ़ती है। एक ईमान के सिफते बता दो, मुसलमान हो ना? मेरी बात सुन रहे? देखो हमें बुरके का, आप जरा पीछे हटो, सारे पीछे हटो भाई। क्लैप क्लैप, बिग क्लैपिंग यार इनके लिए। मतलब क्या ही धो डाला, क्या ही टेकल किया यार। वन मैन आर्मी भाई, मैंने आपको पहले भी कहा था कि भाई इन जाहिलों को कुछ भी नहीं आता, बस हवाबाजी पहलेंगे और बेहतर से बेहतर जाहिलियत का प्रदर्शन करेंगे। इनके अलावा इन्हें और कुछ भी नहीं आता भाई। दैट्स इट, जाहिल देश के जाहिल अब मत। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। और भाई कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जरा सी पसंद आई हो ना तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर से करना, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आगे आपके लिए से न्यू वीडियो लाने के लिए और भाई आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो भाई मैं भी चलता हूँ, मैं आपसे उनका और एक न्यूज था और एक इंटरेस्टिंग था और भाई ऐसे जाहिल वाले कॉन्टेंट लेके आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए एक और न्यू वीडियो में। तो मैं भी चलता हूँ। बंदे मातरम, जिंदा में खेल लिखेगा बंदे मातरम।